नोएडा के सेक्टर 75 में भीषण आग की जानकारी मिली है। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। तो सेक्टर 75 के सोसाइटी के 14वीं मंजिल पर यह आग की खबर सामने आई है और इसका कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 75 में एक सोसाइटी की 14वीं मंजिल पर आग लगने की खबर सामने आई है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से भीषण आग लग रही है सोसाइटी में। 14वीं मंजिल पर यह आग लगी है। हालांकि दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंच चुके हैं, दमकल की टीम वहां पर मौजूद है और आग पर काबू पा लिया गया है। सेक्टर 75 की एक सोसाइटी है जिसमें 14वीं मंजिल पर यह आग लगी है और इसका कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जानकारी दे दें कि ये जो सोसाइटी है इसका नाम एपिक्स एथेना सोसाइटी है और इसमें भीषण आग की ये जानकारी सामने आई है। 14वीं मंजिल B1402 में ये भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये आग लगी है। हालांकि जिस तरह से जानकारी सामने आई है उसमें ये पता चला है कि जिस घर में ये आग लगी है उसमें लोग सो रहे थे, पड़ोसियों ने उन्हें बाहर निकाला। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है, आग पर काबू पा लिया गया है। किसी के हताहत होने की अभी फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। शिव त्यागी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, जिस तरह से ये सेक्टर 75 में इस सोसाइटी में आग लगी है, किस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, क्या किसी के हताहत होने की भी जानकारी है इसमें? देखिए, आज सुबह की घटना है जब नोएडा के सेक्टर 75 एपेक्स एंटेना सोसाइटी में आग लगी है। 14 फ्लोर पर यह आग लगी थी। अचानक से बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। देखते देखते जो आग का गुब्बार था वो पूरे फ्लैट में फैल गया था, जिसके बाद जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने उस परिवार को सूचना दी। परिवार को सूचना देने के बाद वहां से जो दमकल की गाड़ियां हैं वो करीब आधा घंटे बाद मौके पर पहुंची हैं। आग को पूरी तरीके से दो दमकल की गाड़ियों ने काबू में पा लिया, लेकिन फिलहाल जो वहां पे स्थानीय लोग मौजूद थे उनका कहना है कि जो फायर इक्विपमेंट थे वो काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आगे इतना भीषण रूप लिया। कहीं ना कहीं एक सवाल निशान जरूर सोसाइटी के बिल्डर पर खड़ा होता है, जिसको भी जिस तरीके से मूलभूत सुविधाएं देने के लिए बिल्डर शुरुआती तौर में जो फ्लैट देने के बाद वादा करता है, ऐसे में जिस तरीके से आग लगी है साफ तौर पर कहीं ना कहीं बिल्डर के एक सवाल निशान खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके फायर इक्विपमेंट वहां पे काम नहीं कर रहे थे, वैसे में बिल्डर के ऊपर तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि फायर इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे। एक बड़ा हादसा भी हो सकता था क्योंकि आसपास की जो और फ्लैट है वहां भी जो है आग फैल सकती है, लेकिन फिलहाल दो दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंच के आग को पूरी तरीके से काबू में पा लिया। लेकिन फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं उनमें रोज जरूर देखा जा रहा है, उनका कहना है कि बिल्डर के द्वारा जो दावे करे गए थे वो कहीं ना कहीं फेल साबित हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिव इस तमाम जानकारी के लिए। तो देख सकते हैं आप किस तरह से भीषण आग इस सोसाइटी में लगी है, 14वीं मंजिल पर शॉर्ट सर्किट इसका कारण बताया जा रहा है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जो सोसाइटी के लोग हैं उसमें उनमें काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोगों से वायदे किए जाते हैं मूलभूत सुविधाएं देने की, वो वादे पूरे होते नहीं नजर आ रहे हैं।